सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे गाइस। तो आप सभी का फिर से स्वागत है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज में। तो जैसा गाइस आपको पता होगा, मेरे सारे नेदरराइट आर्मर खत्म हो चुका है और हमने पिछली वीडियो में बनाया था एक सैंड फार्म जो थोड़ा सा अच्छा वर्क नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम है जो हमें अभी तक पता नहीं चली है। सो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं अपना नेदरराइट का फुली आर्मर। तो गाइस मैंने काफ़ी सारी टीएनटी क्रैफ्ट करनी है, तो जल्दी से चलते हैं गाइस। तो गाइस आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कितने सारे टीएनटी हैं गाइस, देख रहे हो, लगभग एक शंकर बर्गर टीएनटी है ये। इस सबको हम ले जा रहे हैं अब नेदर में, चलते हैं गाइस जल्दी से। सबसे पहले आपको ये बीच में दिखा देता हूँ गाइस, अगर आपने नहीं देखा होगा, ये मैंने छोटा सा कैक्टस फार्म बनाया है एक डिज़ाइनिंग के लिए और नॉर्मल। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि हनी फार्म भी बनाया है ये, मैंने मेरे दोस्तों ने बनाया है, मैंने ही बनाया। तो ये अपना हनी फार्म है और यहाँ पे हमने हनी बीज को ब्रीड करने के लिए यहाँ पे एक एरिया बनाया है ये। सो गाइस अब जल्दी से चलते हैं हम अपने नेदर में। तो गाइस इस साइड पे हम काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से नहीं आए हैं जैसे आपको पता होगा। अब तो गाइस यहाँ पे वाना होता नहीं है हमारा, तो जल्दी से हम चलते हैं नेदर में गाइस। तो गाइस हम टीएनटी काफ़ी सारे जितने भी टीएनटीज हैं उन सबको नेदर में ब्लास्ट करेंगे और जितना भी नेदरराइट इंगट हो पाएगा हम उसको कलेक्ट करके लाएंगे। और गाइस नेदरराइट इंगट लगाना इतना आसान नहीं होता, काफ़ी मुश्किल है। तो गाइस मैंने एक जगह पहले भी माइनिंग की है, जब मैं अपना आर्मर बना के लाया था, तो हम वहीं पे जा रहे हैं, उससे आगे करेंगे माइनिंग जाके। तो जल्दी से गाइस चलते हैं। और यहाँ पे काफ़ी रिस्की रास्ता है ये, और नेदर फोर्ट्रेस के अंदर से मैंने माइन करके यहाँ पे रास्ता बना रखा है। तो जल्दी से चलते हैं नीचे थोड़ा सा सेफली, क्योंकि तो गाइस अगर मॉब से पंगा लेंगे तो भाई बहुत गंदा सीन हो जाता है नेदर में, और चारों तरफ लावा ही लावा। भाई हल्की सी गलती हुई सारा सामान गया, और ये नेदरराइट का सामान भी नहीं है गाइस जो बच जाएगा, क्योंकि नेदरराइट का सामान लावा में नहीं जलता है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ एकदम यहाँ पे। तो ये अपने पहले की चेस्ट रखी हुई है यहाँ पे गाइस, इसमें थोड़ा सा सामान, और यहाँ पे अपना रास्ता बना हुआ है यहाँ पे। तो हमें इस तरफ आगे जाना है, तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा रास्ता बना भी हुआ है, लेकिन आई थिंक आगे मैंने माइनिंग कर रखी है। तो हम इधर की तरफ करेंगे, तो आगे की तरफ इधर के लिए कर लेते हैं, और थोड़े से क्वार्ट्ज भी ले लेते हैं गाइस। तो काफ़ी सारे हमें क्वार्ट्ज भी मिलने वाले हैं इस बार, और गोल्ड इंगट्स भी मिल जाएंगे गाइस यहाँ पे। तो जल्द से यहाँ पे माइन करते हैं थोड़ा सा रास्ता। तो गाइस काफ़ी आगे तक माइन कर लिया है, और यहाँ पे एक नट शेल्कर को गाइस पहले हम रख के आते हैं सेफ जगह। गाइस अगर बाई चांस हम मर जाएंगे तो हमारी टीएनटी तो सेफ रहनी चाहिए ना। तो गाइस शेल्कर को यहाँ पे रख देते हैं, और एक स्टैक टीएनटी अभी लेके चलते हैं गाइस, क्योंकि सेफ्टी इज़ वेरी मोर इम्पॉर्टेंट है ये। क्योंकि गाइस यहाँ पर लावा भाई कहीं से भी आ सकता है, जब ब्लास्ट होगा आपको मज़ा ही आने वाला है गाइस। तो यहाँ पर जल्दी से जितना भी नेदरा है ना इसको तोड़ लेते हैं फटाक से, और यहाँ पे भाई जितना भी यहाँ पे एरिया बना लेते हैं। एक मिनट गाइस, यहाँ पे लावा यहाँ तोड़ने का कोई सीन ही नहीं है गाइस, यहाँ पे लावा मतलब यहाँ पे तोड़ना नहीं चाहिए। तो हम आगे के लिए डिक करते हैं, आगे जाके थोड़ा सा यहाँ से गाइस डिक करते हैं जल्दी से। तो गाइस काफ़ी लंबा डिक कर लिया है मैंने लगभग, और गाइस अब हमें लगाना है टीएनटी। अब मैं लगा रहा हूँ गाइस एक ब्लॉक छोड़ के टीएनटी, जल्दी से गाइस टीएनटी इसको लगा देते हैं एकदम पूरी तरीके से। तो गाइस मैंने एक स्टैक टीएनटी लगा दिया है, और जला देते हैं एकदम, मतलब स्टार्ट कर देते हैं टीएनटी को। तो गाइस कितना गंदी तरीके से ब्लास्ट होना शुरू हो चुका है, और देख रहे हो भाई लावा ही लावा हर जगह चाँद लगा। और देखते हैं गाइस एंशिएंट डेब्रिस हमें दिखाया कि नहीं अभी तक, भाई अभी तक तो कोई भी एंशिएंट डेब्रिस मेरे को नहीं दिख रहा है। वो यहाँ पे गाइस देखते हैं कहीं तो दिखेगा, सामने गाइस लावा है। पहले मेरे को जितना भी लावा है ना इस सबको करना होगा बंद, उसके बाद ही मैं यहाँ पे सेफली वर्क कर पाऊँगा, क्योंकि लावा के पीछे भी डेब्रिस हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे को पहले करना होगा लावा बंद, पहले इस लावा को बंद करता हूँ, यहाँ पे सामने लगा देता हूँ एक ब्लॉक। ओके गाइस ये वाला हो चुका लावा एकदम बंद, और सामने भी गाइस मेरे को जाना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे पहले लावा, इस लावा को ख़त्म हम जान देते हैं, उसके बाद गाइस हम आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कोई सीन ही नहीं है। मैं वाटर बकेट ले आया है, लेकिन यहाँ पर वाटर वर्क नहीं करता गाइस, नेदर में वाटर वर्क ही नहीं करता है। तो यहाँ पर लगा देते हैं एक मिनट, यहाँ पर लगाना है हमें एक ब्लॉक, एक मिनट। ओके गाइस ये लावा यहाँ से भी उठता है एकदम क्लोज, एकदम बड़े तरीके से। गाइस अभी तक मेरे को एक भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं दिखा है, तो बहुत बुरी बात है गाइस, क्योंकि एंशिएंट डेब्रिस ढूंढना इतना आसान भी नहीं है, नॉट टू इजी। तो गाइस यहाँ पे हमें गोल्डन गेट्स मिले, और एक मिनट भाई भाई इस मॉब को मारना पड़ेगा गाइस, ये वाला जो होता है ना ये ज़ॉम्बी पिघली ना होता आई थिंक, ये हमें मारने लगेगा भाई। काफ़ी गंदा डैमेज देते हैं ये लोग, एक तो गाइस इनके पास गोल्ड की स्वॉर्ड है ना, इसलिए ये गाइस इसको लग नहीं रही है डैमेज, आई थिंक ये नीचे है, इसलिए मेरे को एक ब्लॉक और नीचे जाना होगा आई थिंक। अब लगेगी, ओके गाइस अब लग रही है स्वॉर्ड। हाँ भाई ऊपर आ, तो
इस बार आ नहीं रहा, अब नहीं आ रहा गाइस ये ऊपर, अब इसको गया भाई, तो इस वार्ड में ख़त्म हो गया। ना ही कोई इंचारमेंट लग रही इस वार्ड में, नॉर्मल स्वॉर्ड है गाइस, वही है ना गाइस, लग जाता है कोई पावरफुल स्वॉर्ड है। अभी अपने TNT ब्लास्ट नहीं हुआ, अभी हमें और आगे ब्लास्ट करना होगा। ये तो आगे की तरफ यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक लगा के ऊपर चलते हैं, ये टेम्प्रेरी ब्लॉक्स है इस अपने। और गाइस यहाँ पर इतने आपके चेस्ट बढ़ जाएगा इस ब्लास्ट होने के बाद, इतना ब्लॉक्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। फ्री में तो गाइस नहीं, लेकिन ब्लास्ट बहुत गंदा होगा। तो गाइस आगे हमें एक डेब्रिज दिख रहा है, गाइस आपको दिख रहा होगा, एक डेब्रिज हमें मिल चुका है फाइनली। गाइस हमने कितना TNT खर्च किया है, लगभग एक स्टैक में गाइस अभी तक हमें एक ही TNT दिखाई दिया है, मतलब एक ही एनसी डेब्रिज दिखाई दिया है। मैं TNT गया हूँ गाइस, यहाँ पे पहले आई थिंक मेरे को लावा बंद करना होगा, यहाँ से लावा अभी तक बंद नहीं हुआ भाई। आई थिंक लावा का आसपास कोई पूल होगा इसलिए इतना लावा आ रहा है, नहीं तो गाइस पीछे हमने देखा था इतना लावा नहीं था। उस लावा को जान देते हैं बंद गाइस यहाँ पे, और इस डेब्रिज को हम तोड़ लेते हैं फाइनली भाई। फिर भी गाइस एक ही डेब्रिज मिला है पूरे, उसमें कुल ओनली वन डेब्रिज, और ये आई थिंक आ चुका है इन्वेंट्री में गाइस, आ चुका है अपने इन्वेंट्री में एक डेब्रिज फाइनली गाइस। तो गाइस ढूंढते हैं और आगे की तरफ और देखते हैं गाइस एंशिएंट डेब्रिज। तो गाइस सामने काफ़ी लावा है, सभी लावा को हमें बंद करना होगा पहले, और उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि अगर एंशिएंट डेब्रिज आस पास कहीं दुबका हो सकता है गाइस, कुछ पता नहीं है। अभी तक गाइस सामने तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, तो जल्दी से लावा को बंद कर देता हूँ गाइस जितना भी हो। गाइस फाइनली सामने एक एंशिएंट डेब्रिज दिखाई दिया, क्योंकि गाइस पीछे मेरे को कुछ नहीं दिखा था, मैंने काफ़ी सारा लावा बंद कर दिया पर पीछे था ही नहीं गाइस। तो जल्दी से इसे बंद करते हैं यहाँ से लावा, गाइस सारे एंशिएंट डेब्रिज को तोड़ लेते हैं। तो गाइस काफ़ी सारे एंशिएंट डेब्रिज हमने तोड़ लिया, काफ़ी सारे एंशिएंट डेब्रिज हमें मिल चुका है, तो गाइस जल्दी से चलते हैं। तो गाइस मैं आप आ चुका हूँ घर, और सारे TNT गाइस मैंने खर्च कर लिया है, लगभग 2.5 स्टैक एंशिएंट डेब्रिज मिला गाइस मेरे को, जो आई थिंक ओके है गाइस, मतलब कम भी नहीं है, ठीक है। लेकिन गाइस आप इससे इंगेट्स में बहुत कम मिलेंगे गाइस हमें, बहुत कम इंगेट्स। तो गाइस 4 इंशिएंट डेब्रिज से एक इंगट बनता है। तो गाइस हम पहले से रख देते हैं मेल्ट होने के लिए सभी एंशिएंट डेब्रिज को। तो गाइस इसके बाद हम जो आर्मर अपग्रेड हम लाए थे गाइस, आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी, हम बेस्टीन में गए थे और वहाँ से जो हमने नेदर अपग्रेड लाए थे गाइस, काफ़ी ऐसे मुश्किल था, थोड़ा सा इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन हम कर लिया लेके आए थे। तो गाइस अब हमें बनाना है यहाँ पे, इसे डबल कर सकते हैं हम डायमंड की मदद से। तो इसका नाम क्या है, आई थिंक नेदर टेम्पलेट कहेंगे, नेदर टेम्पलेट। नो गाइस नेदर टेम्पलेट से नहीं आ रहा है, आई थिंक स्मिथिंग टेम्पलेट। ओके गाइस स्मिथिंग टेम्पलेट से आ चुका है, तो इसके लिए हमें एक नेदर एग चाहिए गाइस, मतलब हमें डायमंड्स। गाइस डायमंड बहुत खर्च होते हैं, हमें बहुत गंदे लेवल के। तो अपने पास डायमंड्स हैं, मैंने माइनिंग की थी गाइस, तो डायमंड अपने पास है अभी, तो अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बना लेते हैं स्मिथिंग टेम्पलेट को, डबल कर लेते हैं जल्दी से। ये गाइस थोड़ा सा लेट होता है, पता नहीं मेरे फ़ोन में होता है या गाइस पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस मैंने काफ़ी सारे नेदरराइट अपग्रेड बना लिए हैं, आर्मर अपग्रेड देख रहे हो गाइस 10 बना लिए हैं, वैसे मेरे को 6 ही चाहिए अभी, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 6 और 4 एक्स्ट्रा अपने रख देते हैं अलग। गाइस गोल्ड इंगट्स का भी बहुत काम है, गाइस गोल्ड इंगट्स जो मेरे को बताऊँ कहाँ से मिले, ये सब नेदर से मिला गाइस, काफ़ी सारा गोल्ड मिला मेरे को वहाँ पे माइन करने के बाद। गाइस ये जो एंशिएंट डेब्रिज से हमें, ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं गाइस, हमें ये जो मिला है गाइस इससे हमें बनाना होगा, अब बनेगा इससे नेदरराइट इंगट गाइस। देख रहे हो 4 ब्लॉक्स 4 स्टैक को गाइस गोल्ड इंगट्स लग रहे हैं और एंशिएंट डेब्रिज गाइस, मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा आया गाइस नेदरराइट इंगट, काफ़ी ज़्यादा गाइस। अभी अपना रखा है अभी तक हमने 24 गाइस टोटल 38 इंगट्स बना लिए मैंने, सारे एंशिएंट डेब्रिज हो चुके एकदम मेल्ट, एकदम बढ़िया से गाइस। और सारे आर्मर को उतार लेते हैं, और उसके बाद गाइस हम यहाँ पे लगा देते हैं जल्दी से, इसे नेदरराइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली अपनी चेस्ट प्लेट हो चुकी है कन्वर्ट, एंड बूट्स भी, उसके बाद पैंट भी गाइस, अपना हेलमेट भी। अब गाइस हमें टूल्स और करने हैं ब्रेड, आई थिंक टूल्स मेरे पास है, पहले आर्मर को पहन लेते हैं गाइस, एकदम आ रहे हैं एकदम बढ़िया लग रहा है गाइस। और गाइस स्मिथिंग टेम्पलेट्स भी लगाएंगे इन पे, और मेरे पास गाइस 5 तरीके की स्मिथिंग टेम्पलेट्स हैं। तो गाइस यहाँ पे लगा लेते हैं सबसे पहले अपने आर्मर में, नहीं अपने जो वेपन्स है इनमें लगा लेते हैं इंगट्स को, मतलब नेदरराइट में गाइस बन चुके हैं, बस स्वॉर्ड में एन्चेंटमेंट नहीं लगी हुई है गाइस। अभी मेरे पास 32 इंगट्स बचे हैं गाइस, देख रहे हो कितना महंगा है गाइस, इन्हें एकदम संभाल के रख देते हैं गाइस। मैंने पास्ट आपकी आर्मर ट्रिम है मेरे पास, तो इनको भी लगा लेते हैं स्मिथिंग टेम्पलेट्स। तो गाइस ये वाली थोड़ी अच्छी लग रही है चेस्ट प्लेट पे मेरे को, लेकिन कलर इसका गाइस कौन सा लगाएं, डायमंड भी गाइस अच्छी लग रही है, क्वार्ट्ज का या गाइस ये वाला गाइस ज़्यादा अच्छा लग रहा है आई थिंक, थोड़ा सा
गाइस अब सारी तरह की चेक कर लेते हैं, और ये आई वाली हमारे पास पहले भी थी और ये वाली कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। तो आई थिंक मेरे को गाइस ये वाली लगानी चाहिए, मेरे को बढ़िया लग रही है। और इसमें गाइस कौन सा कलर अच्छा लगेगा, गोल्ड से या पर्पल वाला लगाए थे गाइस, इनमें पर्पल वाला लगा लेते हैं गाइस। तो ये हम इसको ले लेंगे गाइस, पर्पल वाला ओके लग रहा है, इसको ले लेते हैं। एक मिनट, ये गलत निकाल लिए। तो गाइस मैंने सारे आर्मर ट्रेन लगा लिए, और चेस्ट प्लेट में मैंने पिंक लगाई थी पहले, पिंक नहीं गाइस पर्पल लगाई थी, और मैंने लगा लिया ग्रीन वाली। तो गाइस पर्पल थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी और दिख नहीं रही थी गाइस, प्रॉब्लम ये थी सारी। सो गाइस पूरा आर्मर हमने बना लिया है गाइस। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।